की खबर का हुआ असर। नरेगा में भ्रष्टाचार करने वाले सेक्रेटरी व एलडीसी निलंबित। वीडियो और जेटीओ को थमाया नोटिस। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत फरासपुरा के गांव कमरियन का पुरा में नरेगा कार्य में मैट और सेक्रेटरी ने मिली भगत कर जेल में बंद मजदूर की उपस्थिति नरेगा कार्य में दर्ज करा दी और उसके नाम से पेमेंट भी उठा लिया। इस मामले को मंगलवार शाम के न्यूज बुलेटिन में धौलपुर जिले की जनता के लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक ने भ्रष्टाचार की हदे पार, जेल में मजदूर और नरेगा में लगा दी हाजिरी और हो गया भुगतान शीर्षक से प्रमुखता से उजागर किया था, जिसके बाद धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया, जिसके बाद ग्राम पंचायत फरासपुरा के ग्राम विकास अधिकारी हीरालाल एवं कनिष्ठ सहायक राजेंद्र तेली को निलंबित कर दिया गया, जिनका मुख्यालय पंचायत समिति सैपव किया गया है। वहीं संबंधित मैट को ब्लैकलिस्ट करते हुए संबंधित श्रमिक के परिवार से राशि वसूल कर ली गई है। साथ ही राजाखेड़ा पंचायत समिति के विकास अधिकारी राकेश कुमार सिंगल एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक हरिंद्र कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान ने बताया कि जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत फरासपुरा में मनरेगा अंतर्गत कार्य चारागाह विकास कमरियन का पुरा में लापरवाही पाए जाने पर 16 CCA कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए ग्राम विकास अधिकारी हीरालाल एवं कनिष्ठ सहायक राजेंद्र तेली को निलंबित कर मुख्यालय पंचायत समिति सैपव किया गया है। संबंधित मैट को ब्लैकलिस्ट करते हुए संबंधित श्रमिक परिवार से राशि वसूल कर ली गई है। साथ ही राकेश कुमार सिंगल सहायक अभियंता एवं कार्यवाहक विकास अधिकारी पंचायत समिति राजाखेड़ा एवं हरिंद्र कुमार कनिष्ठ तकनीकी सहायक को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि धौलपुर जिले की दिहोली थाना पुलिस ने 10 नवंबर 2022 को श्याम सिंह पुत्र चौप सिंह ठाकुर निवासी कमरियन का पुरा ग्राम पंचायत फरासपुरा राजाखेड़ा को गिरफ्तार किया था, जो कि अवैध चंबल रेता के मामले में फरार चल रहा था, जिस पर धौलपुर SP धर्मेंद्र सिंह की ओर से 500 रुपए का इनाम घोषित था, जिसे गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया, जो वर्तमान में भी जिला जेल धौलपुर में बंद है। जबकि सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर जो मस्ट्रॉल दर्ज है, उसमें श्याम सिंह को नरेगा कार्य में 11 नवंबर से 15 नवंबर तक फर्जी तरीके से उपस्थित दिखाया गया है और बकायदा भुगतान भी किया गया। इस गड़बड़ घोटाले का फर्स्ट ट्रैक ने खुलासा कर दिया, जिसके बाद जिला कलेक्टर व जिला परिषद के CEO ने ये बड़ी कार्यवाही की है। न्यायिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर 1000 केसों की सुनवाई अटकी। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा धौलपुर द्वारा जयपुर न्याय क्षेत्र के न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की 10 नवंबर 2022 को हुई निर्मम हत्या के मामले में प्रकरण की रिपोर्ट दर्ज नहीं होने के कारण प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर धौलपुर शहर सहित जिले भर के समस्त न्यायिक कर्मचारीगण, मोटर दुर्घटना दावा अधिकारीगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण आज 30 नवंबर 2022 से अनिश्चित काल के लिए सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं, जिस कारण धौलपुर शहर सहित जिले भर की समस्त अदालतों का कार्य बाधित रहा। जिला न्यायिक कर्मचारी संघ धौलपुर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कार्यकारी अध्यक्ष ओम बाबू शर्मा ने बताया कि यह सामूहिक अवकाश मांग पत्र की संपूर्ण मांग पूर्ण होने तक अनवरत रूप से जारी रहेगा।
इस सुनवाई के कारण धौलपुर जिले की अदालतों में तकरीबन 1000 प्रकरणों की सुनवाई प्रभावित हुई एवं प्रकरणों के पक्षकारों को बिना सुनवाई के ही घर वापस लौटना पड़ा। सामूहिक अवकाश के दौरान न्यायिक कर्मचारीगण द्वारा उच्च न्यायिक प्रशासन को कर्मचारीगण की मांगे पूर्ण करने की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। आंदोलन के दौरान प्रदीप श्रीवास्तव, नरेंद्र श्रीवास्तव, ब्रजेश शर्मा, मुकेश बंसल, राजीव शर्मा, मनीष शर्मा, तायब सिंह, गोपाल सिंह, मोहित शर्मा, विनय शुक्ला, हितेश, संजय, सुरेंद्र, हारून, राजकुमार, अमित, प्रवीण, हरिकिशन, सचिन, राजेंद्र आदि न्यायिक कर्मचारीगण अवकाश पर रहे। मैं विनय शुक्ला, क्रांति प्रतिनिधि, राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ दिलासा का धौलपुर, राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के सहायक कर्मचारी जयपुर से सुभाष मेहरा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के विरोध में समस्त राजस्थान न्यायिक कर्मचारी के जिला के कर्मचारी करीब 17,000 कर्मचारी 16 न्यायालयों के आज से दिनांक 30/11/22 से सामूहिक हड़ताल पर हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होती हैं जब तक ये हड़ताल चले। मैं ओम बाबू शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष न्यायिक कर्मचारी संघ। हमारा जो कर्मचारी है सुभाष मेहरा, उसकी हत्या हुई है, उस षड्यंत्र के पीछे आज तक FIR नहीं हुई है। हमारी 5 मांगे हैं कि हमारे जो उसकी FIR दर्ज होनी चाहिए, CBI जांच होनी चाहिए और उसके परिवारजन को 50,00,000 का मुआवजा मिलना चाहिए और प्रत्येक जो कर्मचारी जो न्यायिक अधिकारियों के घरों पर मौजूद है उनकी वापसी होगी, क्योंकि इस तरह से अगर ये हत्याएँ होती रहीं तो हमारे कर्मचारियों का जो है कोई भी वो नहीं होगा, सहारा नहीं होगा। इसलिए हम जो है आज 30 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जब तक हमारे जो इन मांग 5 मांगों को पूरा नहीं होगा तब तक हमारा ये अनिश्चितकालीन जो अवकाश जारी रहेगा। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में देखने को मिले रोमांचक मुकाबले। 66वीं राज्य स्तरीय 14 वर्षीय छात्र छात्रा वॉलीबॉल प्रतियोगिता में बुधवार को REC मैदान धौलपुर में लीग मैचों के रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। बुधवार को लीग मैच का शुभारंभ जिला शिक्षा अधिकारी केदार गिरी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी अंजलि सिंह, वीरी सिंह, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी विनोद सोलंकी, खेलकूद प्रभारी चौप सिंह, विजय शर्मा, रेड क्रॉस के सचिव संजीव श्रीवास्तव, भूपेंद्र राणा, मनोज शर्मा, राकेश परमार ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। बालक वर्ग में बीकानेर ने जालोर को 2-0 से, अजमेर ने सिरोही को 2-0 से, शार्दुल स्पोर्ट्स बीकानेर ने कोटा को 2-0 से, जयपुर ने टोंक को 2-0 से, दौसा ने धौलपुर को 2-0 से, राजसमंद ने वारा को 2-0 से, झुंझुनू ने गंगानगर को 2-0 से हराया। बालिका वर्ग में भीलवाड़ा ने टोंक को 2-0 से, नागौर ने कोटा को 2-0 से, गंगानगर ने जालोर को 2-0 से, बूंदी ने राजसमंद को 2-0 से, अजमेर ने करौली को 2-0 से, चित्तौड़ ने जैसलमेर को 2-0 से, डूंगरपुर ने बांसवाड़ा को 2-0 से, झुंझुनू ने दौसा को 2-0 से, सीकर ने जोधपुर को 2-0 से, हनुमानगढ़ ने भरतपुर को 2-0 से, बीकानेर ने जयपुर को 2-0 से हराया। प्रतियोगिता के निर्णायक के रूप में निर्मल सिंह, महेंद्र मान, जितेंद्र सिंह, सरिता चौधरी, मोहन लाल, अरविंद तिवारी, रविशंकर शर्मा, धर्मवीर सिंह, राकेश कुमार आदि मौजूद रहे। थर्मल पावर प्लांट में आतंकियों ने अधिकारियों को बनाया बंधक। धौलपुर जिले में आपात स्थिति से निपटने के लिए धौलपुर SP के निर्देशन में ERT और DST की टीम द्वारा मॉक ड्रिल कराई गई। मॉक ड्रिल में थर्मल पावर धौलपुर के अधिकारी को आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाने की सूचना दी गई, जिस पर SP के निर्देशन में मौके पर पहुंची ERT और DST की टीम ने बंधक बनाए गए अधिकारी को मुक्त कराते हुए एक आतंकवादी को मौके पर ढेर कर दिया, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जिला अस्पताल धौलपुर तक
पहुंचाया गया। पुलिस द्वारा कराई गई मॉक ड्रिल के दौरान जिले भर में थलमर पावर में आतंकियों के घुसने की अफवाह फैल गई। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एआरटी और डीएसटी की टीम के साथ लोकल पुलिस को मॉक ड्रिल के दौरान उन बारीकियों को सिखाया गया जिनसे आसानी से खुद की सुरक्षा करते हुए दूसरे लोगों की रक्षा की जा सके। एसपी ने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य पुलिस को मजबूत करना है जिसके लिए बंधक बनाए गए अधिकारी को छुड़ाने से लेकर घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने जाने वाली व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। थर्मल पावर में आयोजित मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस और एआरटी के साथ चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। आज ईआरटी यूनिट द्वारा एक मॉक ड्रिल किया गया था थर्मल पावर प्लांट धौलपुर में। इसमें जो डेमो था एक हॉस्टेज रेस्क्यू सिचुएशन का था। इसमें ईआरटी की टीम और लोकल क्यूआरटी और जो हमारी डीएसटी की टीम है और लोकल पुलिस स्टेशन सब ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन किया है और ये एनुअल लेवल पे डिफरेंट जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं जिले में उसको लेकर ये होते रहे। सर मॉक ड्रिल में क्या किया था, किसके लिए मॉक ड्रिल होता? बंधक बना लिया था जो जीएम थे थर्मल पावर प्लांट के, उनको छुड़ाने का एक मॉक ड्रिल था जिसमें हाउस इंटरवेंशन टीम्स बनाई गई थी और हिट टीम्स ने टैक्टिकल मूवमेंट करते हुए उन्हें मुक्त कराया और एक टेररिस्ट को मार गिराया और एक घायल है जिसको फिर ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल पहुँचाया। मैं प्रेम सिंह सब इंस्पेक्टर ईआरटी टीम भरतपुर से हूँ। बाकी हमारे पास टोटल इंस्ट्रक्शन एटीएस से मिलते हैं तो एटीएस के इंस्ट्रक्शन में ही हम कार्रवाई करते हैं। हमें एटीएस जयपुर से थर्ड मिली थी, उस पर एसपी धौलपुर साहब के निर्देशन में हमने एक कार्रवाई की थी जिसमें जीएम साहब को बंधक बना रहा था, उनको हमने छुड़वाया प्लस एक टेररिस्ट उसने से मारा और एक को एक में थोड़ी सांस चल रही है। तो हमारा रेस्क्यू टाइम होता है जो जल्दी जितना जल्दी कंट्रोल हो सकता है उसी तरीके से हमने कार्रवाई की थी। पूरी हमारी कार्रवाई एडम बेस से लेकर यहाँ तक मात्र आधे घंटे में संपूर्ण कर दी गई। माँ भगवती हॉस्पिटल जहाँ मिलती है आगरा के वरिष्ठ व अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा 24x7 इमरजेंसी सेवाएं, जननी की डिलीवरी सुविधा व आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध। डेंगू मलेरिया सहित अन्य मौसमी बीमारियों का बेहतर इलाज किया जाता है। बवासीर, भगंदर एवं अन्य तरह के ऑपरेशन भी किए जाते हैं। अच्छे, सस्ते व सुलभ इलाज के लिए जरूर पधारें माँ भगवती हॉस्पिटल, कलेक्ट्रेट के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। धौलपुर में खुला जिले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम, जहां मिलती है घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। दीपावली के अवसर पर महाछूट ऑफर, डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफोम व स्लिप वेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें एयू फर्नीचर, छोर वाली माता के बगल में, वाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। मुख्य सचिव ने वीसी के माध्यम से की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा। धौलपुर जिले में किए गए नवाचारों की मुख्य सचिव ने की सराहना। राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 100% कवरेज सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि योजना का लगातार प्रचार प्रसार तथा कैंप लगाए जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग योजना का लाभ उठा सके। शर्मा बुधवार को शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि 10 नवंबर से 18 नवंबर तक जिला प्रभारी सचिवों द्वारा अपने जिलों में निरीक्षण के दौरान राज्य सरकार द्वारा संचालित फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन में जो भी कमियां पाई गई हैं उसे कलेक्टर प्रभारी सचिव से समन्वय कर दूर करें। उन्होंने निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं की अनुपालना को अलग अलग कैटेगरी में विभाजित कर उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान सहित अन्य अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े। सुभाष मेहरा आत्मदाह मामले में न्यायिक कर्मचारी रहे सामूहिक अवकाश पर। जयपुर के एनडीपीएस कोर्ट के न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा आत्मदाह मामले में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं करने और मामले में कोई कार्यवाही नहीं होने से नाराज राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ ने आज बुधवार से पूरे प्रदेश में सामूहिक अवकाश पर जाने और आंदोलन करने का निर्णय लिया है। इसी के तहत आज शहर के एडीजे कोर्ट के बाहर सभी कोर्टों के न्यायिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर बैठे हुए हैं और सरकार एवं विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस सामूहिक अवकाश के चलते बाड़ी के एडीजे कोर्ट के साथ एसीजेएम कोर्ट सहित विभिन्न कोर्ट का कामकाज ठप्प पड़ा हुआ है। स्थानीय न्यायिक कर्मचारी नरेश गोयल और विकास अरोड़ा के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों की मांग है कि सुभाष मेहरा मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करने के साथ मामले की सीबीआई जांच की जाए। न्यायिक कर्मचारी मनीषकांत लवानिया, गोविंद राम, रवि कुमार ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सामूहिक अवकाश पर जाने का यह निर्णय लिया गया है। यह विरोध प्रदर्शन अनिश्चित कालीन है, जब तक जयपुर एनडीपीएस कोर्ट के न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा के आत्मदाह मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होती और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाती, तब तक यह सामूहिक अवकाश जारी रहेगा। एडीजे कोर्ट के बाहर न्यायिक कर्मचारी नरेश गोयल, मुरारी लाल, राम अवतार, राम कुमार अग्रवाल, महेंद्र मीणा, रमेश मीणा, सांतनु कुमार, वाके विहारी सहित दो दर्जन से अधिक संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। जयपुर में एनडीपीएस केस, जयपुर में एक सहायक कर्मचारी सुभाष मेहरा, उसका 10 नवंबर को निर्मम हत्या कर दी गई थी राजकीय आवास पर। उसके विरोध पर राजस्थान न्याय कर्मचारी संघ ने सामूहिक अवकाश पर जाने का आज निर्णय लिया है। 30/11 से अनिश्चित काल के लिए सामूहिक अवकाश पर पूरे राजस्थान में कर्मचारी हड़ताल पर हैं और ये एफआईआर दर्ज नहीं होगी हत्यारों के खिलाफ और सुभाष मेहरा को न्याय नहीं मिलेगा जब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। सामूहिक अवकाश पर रहेंगे जब तक कर्मचारी और पूरे राजस्थान प्रदेश में न्याय कार्य ठप रहेगा। क्या नाम है आपका? नरेश गोयल, लीडर। विकास अरोड़ा है, मैं बाड़ी में नए कर्मचारी हूँ। हमारे साथी कर्मचारी सुभाष मेहरा की हत्या न्यायिक अधिकारी घर में हुई है, वो संदिग्ध अवस्था में पाए गए हैं। उनके खिलाफ अभी तक मतलब अधिकारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। सभी साथी कर्मचारीगण इस कारण राष्ट्र न्यायिक कर्मचारी संघ के सारे साथी हम सामूहिक अवकाश पर हैं। जब तक अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती है जब तक हम सामूहिक अवकाश पर हैं। भाजपा मंडल की जन आक्रोश यात्रा की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। भारतीय जनता पार्टी धौलपुर के बाड़ी विधानसभा के कंचनपुर व विजोली मंडल की जन आक्रोश यात्रा की संयुक्त समीक्षा बैठक मंडल अध्यक्ष रामप्रसाद गोस्वामी व रामवीर गुर्जर के नेतृत्व में संपन्न हुई। मुख्य अतिथि ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष व संभाग प्रभारी राकेश फौजदार व विशिष्ट अतिथि प्रशांत सिंह परमार रहे। प्रशांत सिंह परमार ने बताया कि 5 दिसंबर से बाड़ी विधानसभा में शुरू हो रही जनाक्रोश यात्रा हर गांव, हर थाणी तक जाएगी। कांग्रेस सरकार द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी एवं राजस्थान में कांग्रेस सरकार को जड़ से उखाड़ने का काम करेगी। बैठक में कंचनपुर व विजोली मंडल के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अपहरण और मारपीट की घटना के 2 आरोपी गिरफ्तार। सदर थाना बाड़ी की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए अपहरण और मारपीट की घटना को लेकर पिछले 5 दिन से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गांव स्वामी का पुरा से गिरफ्तार किया है।
जिन्होंने गांव के ही एक अधेड़ का अपहरण कर मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, जिसका मामला अधेड़ के भाई ने सदर थाने में दर्ज कराया था। अधेड़ को पूर्व में ही आरोपियों के चंगुल से मुक्त कराया जा चुका है, लेकिन आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आ पा रहे थे। सदर थाना बाड़ी के प्रभारी हीरालाल मीणा ने बताया, 25 नवंबर को थाना क्षेत्र के गांव स्वामिकापुरा में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग हरिकिशन गौड़ का गांव के कुछ लोगों द्वारा अपहरण किया गया, जिसका मामला उसके छोटे भाई हरिनाम ने सदर थाने में दर्ज कराया था, जिस पर घटना में लिप्त अपहरणकर्ता गब्बर पुत्र मेघ सिंह गुर्जर और ज्वाला पुत्र रामराज गुर्जर निवासी स्वामिकापुरा बाड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरमथरा पुलिस ने अवैध शराब सहित एक आरोपी किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की सरमथरा थाना पुलिस ने अवैध शराब सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सरमथरा थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मंगलवार देर रात को पातरिया होटल से आगे हाईवे पर कार्यवाही करते हुए वकील पुत्र केदार गुर्जर उम्र 22 साल निवासी महारपुर थाना सरमथरा को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से प्लास्टिक के कट्टे से 96 पौआ अवैध देसी मदिरा 40 यूपी 180 ml सादा शराब जब्त की गई है। अब आपके लाडले बच्चे का धौलपुर में ही होगा गारंटी से इलाज। बच्चे का हकलाना, तुतलाना, अटक अटक कर बोलना, लकवा के कारण सही से नहीं बोल पाना, सुनने व बोलने एवं भाषा विकास की कमी, बच्चे के मुंह से लगातार लार का बहना आदि समस्याओं का गारंटी के साथ समाधान किया जाता है। हमारे यहाँ सुनने की जाँच की जाती है तथा कान की मशीन उपलब्ध है। जरूरतमंद जरूर पधारें, ठीक करने की गारंटी। पीयूष पारासर, वाणी विशेषज्ञ, पता श्री राधा माधव स्पीच एंड हियरिंग रिहेब केयर सेंटर, पता सिटी जुबली हॉल लाइब्रेरी के पास डॉक्टर विजय शर्मा के हॉस्पिटल के ठीक सामने घंटाघर रोड धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। केला सत्यार्थी फाउंडेशन ने पीड़िता को दिलाया न्याय, आरोपी को 3 साल का कठोर कारावास। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके के गांव में गत 25 अप्रैल 2022 को एक दुकानदार द्वारा सामान लेने आई 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया था। दुकानदार नाबालिग को अपने कमरे में ले गया और वहां उसे मोबाइल पर गंदी वीडियो दिखाने लगा और दुष्कर्म का प्रयास करने लगा, लेकिन इसी दौरान नाबालिग के घर पहुंचने में देर होने पर उसका पिता आ गया, जिसे देखकर आरोपी मौके से भाग गया। जब इस मामले की जानकारी केला सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन एवं दिशा फाउंडेशन को मिली तो फाउंडेशन के द्वारा नियुक्त एडवोकेट प्रमोद कुमार शर्मा और फाउंडेशन की टीम पीड़िता के घर पहुंची, जिसने पीड़ित परिवार की समझाइश की और महिला थाना धौलपुर में मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद फाउंडेशन ने इस केस का पूरा खर्चा उठाया। फाउंडेशन के अधिवक्ता प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि इस कार्यवाही में फोटोकॉपी तक का खर्चा हमारे फाउंडेशन ने उठाया है और पीड़िता को न्याय दिलाया है। इस मामले में पॉक्सो कोर्ट धौलपुर के जज जमीर हुसैन ने आरोपी दीना को 3 वर्ष के कठोर कारावास और 30,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। राजाखेड़ा के वीर सपूत शहीद राघवेंद्र सिंह के शहीद दिवस पर दी श्रद्धांजलि। राजाखेड़ा के गांव घड़ी जाफर में नगरोटा आतंकी हमले में शहीद हुए राघवेंद्र सिंह परिहार की 6वीं पुण्यतिथि मनाई गई। शहीद के पुत्र कुंवर सवर प्रताप सिंह परिहार एवं वीरांगना अंजना राघवेंद्र परिहार के द्वारा शहीद राघवेंद्र परिहार की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई।
इस मौके पर राजपूत महासभा जिला धौलपुर के अध्यक्ष भागीरथ सिंह सिकरवार, राजपूत युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मजन सिंह जादौन के द्वारा प्रतिमा को साफा एवं पुष्प अर्पित कर शहीद राघवेंद्र सिंह के पिता को साफा एवं माला पहनाकर सम्मानित किया गया। राजपूत युवा नगर अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह परिहार, भीमसेन जादौन, प्रमोद जादौन के द्वारा शहीद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया एवं बच्चों को फल वितरण भी किया गया। तेज रफ्तार दूध के टैंकर ने बाइक को मारी टक्कर, सड़क हादसे में दो जने हुए घायल। सरमथरा उपखंड में गोलारी रोड मानपुरा अड्डा के पास बुधवार दोपहर तेज रफ्तार दूध के टैंकर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो जने गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर आसपास के ग्रामीणों की भारी संख्या में भीड़ मौके पर जमा हो गई और ग्रामीणों ने हादसे की सूचना सरमथरा पुलिस को दी, जिस पर सरमथरा पुलिस के कांस्टेबल सुमेर सिंह, संदीप शर्मा एवं वासुदेव ने तत्परता दिखाते हुए घटना स्थल पर पहुंच घायलों को इलाज के लिए सरमथरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां से एक घायल की हालत बिगड़ने पर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार घायल मायाराम पुत्र गोपीचंद्र नाई उम्र 45 साल निवासी मुसलपुर थाना कोलारी एवं राजवीर पुत्र लज्जाराम उम्र 52 साल निवासी खड़गपुर थाना नादनपुर के निवासी है, जो कि शादी के कार्ड देने के लिए अपनी रिश्तेदारी में सरमथरा से गोलारी की तरफ जा रहे थे। तभी गोलारी रोड पर मानपुरा अड्डे के पास दूध के टैंकर ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे दोनों जने गंभीर रूप से घायल हो गए। गनीमत रही कि सरमथरा थाना पुलिस के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को समय से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जिसे दोनों घायलों की जान बच गई। अस्पताल में घायल हुए मायाराम की इलाज के दौरान हालत बिगड़ने पर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं सरमथरा थाना पुलिस ने दूध के टैंकर को जब्त कर सरमथरा थाना परिसर में खड़ा करवा दिया है। हमें इधर से कार्ड देने जा रहे शादी का, इधर से टैंकर वाले ने टक्कर मार दी, उसका पैर टूट गया, मेरे पैर में भी लग गई है, बहुत जबरदस्त। भारतीय जनता पार्टी महिला मंडल की बैठक आयोजित। भारतीय जनता पार्टी मंडल नाहिला की बैठक राम खिलाड़ी पारासर के निवास पर आयोजित की गई। भाजपा नाहिला मंडल एवं किसान मोर्चा नाहिला मंडल की संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य सरकार के अत्याचारों के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा के बारे में बैठकर चौपाल आयोजित की गई। जन आक्रोश यात्रा के रूट चार्ट एवं यात्रा के सफल संचालन के लिए विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें मंडल अध्यक्ष कुमहर सिंह, दिलीप पारासर, किसान मोर्चा अध्यक्ष कप्तान सिंह, सरपंच देवेंद्र सेंथिया सरपंच, पूर्व सरपंच नाहर सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष उदय भान सिंह, राम खिलाड़ी पारासर, मंडल महामंत्री अरसफी सिंह, मुनालाल शर्मा, सतीश शर्मा, सतराम शर्मा, साहब सिंह बड़गुजर, शिवलाल बाल्मीकि सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अब धौलपुर में ही आधुनिक मशीनों से होगा दर्द का इलाज। गठिया, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, चक्कर आना, चेहरे की फालिश, जोड़ प्रत्यारोपण के बाद की समस्याएं, बच्चों के शारीरिक विकलांगता, कंधे का जाम होना व दर्द होना, शरीर में कंपन, सुन्नपन, गर्दन व दर्द व फालिश आदि का फिजियोथेरेपी से कराएं इलाज। एक्यूप्रेशर मशीन से पूरे शरीर की 52 जांच कराने की भी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें डॉक्टर मीमांसा चंसोरिया, युवान फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन क्लिनिक, पता मां अन्नपूर्णा टिफिन सेंटर के बगल वाली गली घंटा घर के पास, धौलपुर। घर हो या ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक सामान एवं फर्नीचर प्रोडक्ट के बिना अधूरा होता है। चाहे वह टीवी हो या फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, पलंग हो या सोफा, टेबल हो या कोई अन्य घरेलू आइटम,
अगर आप भी अपने घर या ऑफिस के लिए लेना चाहते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या फर्नीचर तो आज ही आए वैल्यू प्लस स्टोर। हम आपके लिए लाए हैं सभी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान और फर्नीचर बहुत ही कम कीमत में, वह भी एक ही छत के नीचे, किस्तों में पैसा चुकाने की भी सुविधा उपलब्ध। तो देर किस बात की, तुरंत पधारे वैल्यू प्लस स्टोर पर, पता बाड़ी रोड बिजली घर के सामने धौलपुर। सभी माता बहनों को भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज त्यागी दर्शन हॉस्पिटल आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि हमारे हॉस्पिटल दर्शन हॉस्पिटल द्वारा एक संगीतमय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा का वाचन श्रद्धेय श्री ब्रजभूषण शास्त्री जी म्याओ वाले की अमरवाणी द्वारा किया जाएगा। यह कथा दिनांक 30 नवंबर से 7 दिसंबर तक चलेगी। इस कथा का समय दोपहर 12 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक रहेगा। यह कथा सदर थाने के पास प्रधान कॉम्प्लेक्स के बगल में न्यू दर्शन हॉस्पिटल की जो जमीन है उस पर की जाएगी। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप इस संगीतमय भागवत कथा का आनंद लें, भगवान का स्मरण करें और ज्यादा से ज्यादा इसको सुने। अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश कथा में नहीं आ पाता है तो उसके लिए यह कथा हमारे YouTube चैनल दर्शन हॉस्पिटल धौलपुर पर कभी भी लाइव देखी जा सकती है। धन्यवाद। शिक्षक संघ ने की जिला मुख्यालय पर शास्त्री महाविद्यालय खुलवाने की मांग। राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभागीय शिक्षक संघ ने जिला अध्यक्ष राजू परमार के नेतृत्व में आज बुधवार को राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय धौलपुर में विधायक शोभारानी कुशवाहा को ज्ञापन दिया, जिसमें शास्त्री महाविद्यालय खुलवाने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि जिले का एकमात्र शास्त्री महाविद्यालय सरमथुरा में स्थित है, जो कि जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित है। साथ ही जिले के अन्य क्षेत्रों जैसे राजाखेड़ा, सेपो, बाड़ी, बसेड़ी के वरिष्ठ उपाध्याय उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा शास्त्र प्राप्त करने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे कि छात्र छात्राओं को नियमित उच्च शिक्षा प्राप्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभागीय शिक्षक संघ के जिला संरक्षक दादूदयाल शर्मा, राघवेंद्र पगछैया, हरिओम सिंह ने धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा को इस समस्या से अवगत कराया। बाड़ी विधायक ने भी नवीन शास्त्री महाविद्यालय खुलवाने का संगठन के पदाधिकारियों को आश्वासन दिया। पहली बार स्कूल स्तर पर 3 दिसंबर को होगी अभिभावक शिक्षक बैठक। निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के निर्देशन में जिले में पहली बार 3 दिसंबर को स्कूल स्तर पर होने वाली पीटीएम विशेष अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया जाएगा। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश कुमार गर्ग ने बताया कि रिपोर्ट शाला दर्पण पर एंट्री की जाएगी। जिले में 3rd से 8th क्लास वाले सभी स्कूलों में 3 दिसंबर को दोपहर 12 बजे होने वाली इस पीटीएम में आने वाले अभिभावकों की संख्या स्कूल को उसी दिन शाला दर्पण पर भेजनी होगी। यह विशेष पीटीएम इसलिए हो रही है क्योंकि 3 से 5 नवंबर को 3rd से 8th तक बच्चों में लर्निंग लॉस गैप दूर करने के लिए विभाग की ओर से ब्रिज कोर्स चलाया गया था, जिसका पहला मूल्यांकन 3 से 5 नवंबर को हुआ। इस विशेष पीटीएम में पहले मूल्यांकन की रिपोर्ट अभिभावकों को दी जाएगी। सीडीईओ मुकेश गर्ग ने बताया कि इस पीटीएम से पहले स्कूल को कक्षा 3 से 8 तक स्टूडेंट्स के रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करने होंगे। इसके लिए विभाग की वेबसाइट शाला संवाद एवं शाला दर्पण के माध्यम शाला के स्कूल लॉगिन के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। अंतर महाविद्यालय स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ।
महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर द्वारा आयोजित अंतर महाविद्यालय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के तहत राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर की ओर से इंदिरा गांधी स्टेडियम में बुधवार को छात्र छात्रा की बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ ब्रज विश्वविद्यालय खेल बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर एस के जैन के मुख्य आतिथ्य तथा खेल बोर्ड सचिव डॉक्टर देवेंद्र सिंह परमार की अध्यक्षता में हुआ। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मनोज सिंह परमार एवं पीडी गर्ल्स कॉलेज वैर के प्राचार्य डॉक्टर पवन ढाकर रहे। मुख्य अतिथि डॉक्टर एस के जैन ने कहा कि जीवन को सफल बनाने के लिए शिक्षा के अलावा खेल कूद की भी अति आवश्यकता है। राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले तथा विजेता खिलाड़ियों को सरकारी तथा गैर सरकारी नौकरियां में भी लाभ मिलता है। मेडिकल कॉलेज ने सह आचार्य डॉक्टर मनोज सिंह परमार ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण अंचल में भी स्टेडियमों का निर्माण जारी है। खेल बोर्ड के सचिव डॉक्टर देवेंद्र सिंह परमार ने बताया कि ब्रज विश्वविद्यालय की ओर से छात्र छात्रा वर्ग की अंतर कॉलेज की प्रतियोगिताएं जारी है, जिन प्रतियोगिता में भरतपुर एवं धौलपुर जिले के राजकीय तथा मान्यता प्राप्त कॉलेज की टीम तथा क्षेत्र के छात्रा एवं छात्र भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को ब्रज विश्वविद्यालय की टीम में चयन किया जाएगा, जो टीम अंतर विश्वविद्यालय स्तर पर खेलने के लिए जाएगी। तीर्थराज मचकुंड पर रेसला प्रदेश अध्यक्ष का किया स्वागत। तीर्थराज मचकुंड धौलपुर की धरा पर रेसला प्रदेशाध्यक्ष गिरधारी गोदारा, दौसा जिला अध्यक्ष नंदराम मीणा, प्रधानाचार्य का धौलपुर राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला परिवार के द्वारा फूल माला व साफा बांधकर स्वागत किया गया। इस कड़ी में प्रदेश कार्यकारिणी में मनोनीत प्रदेश उपाध्यक्ष चेतराम जादौन, महिला प्रदेश उपाध्यक्ष विनीता शर्मा का भी स्वागत किया गया। जिलाध्यक्ष विजय कुमार मीणा ने प्रदेश अध्यक्ष गिरधारी गोदारा को 18,750 वेतन, नव क्रमोन्नत विद्यालयों में पद स्वीकृत और वेतन संबंधी अनेक समस्याओं से अवगत करवाया। जिला मंत्री रणवीर कंसाना ने 2022-23 प्रधानाचार्य डीपीसी व उप प्रधानाचार्य पद पर व्याख्याता से 100% डीपीसी अति शीघ्र करवाने को कहा और सभी रेसलियन साथियों को ज्यादा से ज्यादा रेसला सदस्यता लेने के लिए आग्रह किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष विजय कुमार मीणा, जिला मंत्री रणवीर कंसाना, प्रदेश उपाध्यक्ष चेतराम जादौन, महिला प्रदेश उपाध्यक्ष विनीता शर्मा, सभा अध्यक्ष अशोक कोठारी, ब्लॉक मंत्री राकेश कुमार, जयप्रकाश गुर्जर, शेखर कंचन, जोगेंद्र मीणा, रतन सिंह लोधा आदि उपस्थित रहे। रहल विद्यालय को भामाशाहू ने दान की 20 लाख रुपए की जमीन। राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय रहलबाड़ी में नवीन भवन निर्माण के लिए भामाशाह राम सहाय गुर्जर, हरि सिंह तकीपुर, विष्णु सिंह, रामवीर सिंह, प्रेम सिंह गुर्जर तकीपुर, अजमेर सिंह, मुख्तियार सिंह, मुंशी सिंह, सुल्तान सिंह, दाताराम, आशाराम, महावीर सिंह, रणवीर सिंह, रामवरण सिंह, पाती राम, गंगा सिंह, हकीम सिंह, अवधेश सिंह, रामरतन, राम निवास, रघुनाथ सिंह गुर्जर रहल के सहयोग से 20 लाख रुपए की जमीन विद्यालय भवन निर्माण के लिए विद्यालय को दान दी है, जिसमें प्रेरक के रूप में संस्था प्रधान पारस राम का सराहनीय योगदान रहा है, जिसे सभी भामाशाहों को भूमि दान के लिए प्रेरित किया, जिसका लाभ ग्रामीण क्षेत्र के बालक बालिकाओं को मिलेगा। विद्यालय भवन निर्माण का भूमि पूजन कार्यक्रम बुधवार को रखा गया। प्रधानाचार्य पारसराम ने बताया कि विद्यालय को 1.25 बीघा जमीन 20 लाख कीमत की मिली है। अब नया भवन बनने व कक्षा कक्षों के निर्माण से शिक्षा में बेहतर सुधार होगा। ग्रामीण वामाशाहों में अधिकारी सुरेश भारद्वाज, राजन सिंह मीना, मनीष पहाड़िया, PEEO कांसपुरा योगेश शर्मा, रामलखन शर्मा रहल व सैकड़ों ग्रामीणों की उपस्थिति में भूमि पूजन का कार्यक्रम विधि विधान से संपन्न हुआ।
विक्षिप्त लावारिस महिला को भेजा अपना घर आश्रम भरतपुर। विक्षिप्त असहाय पीड़ित लावारिस अनाथ मानव सेवा में कार्यरत संस्था अपना घर सेवा समिति बाड़ी द्वारा एक विमंडित लावारिस महिला को अपना घर आश्रम भरतपुर भेजा है। अपना घर सेवा समिति बाड़ी के अध्यक्ष विष्णु महेरे ने बताया कि मंगलवार रात्रि को कोलारी थाना क्षेत्र में लावारिस विमंडित घूम रही एक महिला की सूचना मिली। शाम को ही उनको अपना घर आश्रम बाड़ी में शिफ्ट किया गया। महिला से जानकारी करने पर नाम पता नहीं बता पा रही थी। महिला की उम्र करीब 30 वर्ष है। ऐसी स्थिति में आज बुधवार को पुलिस थाना बाड़ी से इंद्राज कराकर सेवा और उच्च कोटि के उपचार के लिए अपना घर आश्रम भरतपुर भेजा है, जहां उक्त महिला प्रभु जी की सेवा हो सकेगी। इस मौके पर अध्यक्ष कमलेश गर्ग, महिला इकाई की अध्यक्ष बिमला गर्ग, कार्यालय प्रभारी राजकुमार गर्ग, मनीष गर्ग, सेवा साथी राकेश भगवान दास, नितेश प्रजापति आदि मौजूद रहे। आज अपना घर सेवा समिति बाड़ी की ओर से एक विक्षिप्त विमंडित महिला प्रभु जी को अपना घर आश्रम भरतपुर भेजा है। कल शाम को कोलारी थाना क्षेत्र में जानकारी मिली कि एक विमंडित महिला है, लावारिस है, घूम रही है। ऐसी स्थिति में शाम को बाड़ी आश्रम में शिफ्ट किया गया और जानकारी की गई तो नाम पता बताने में असमर्थ थी। ऐसी स्थिति में सेवा और उपचार के लिए अब उनको अपना घर आश्रम भरतपुर में शिफ्ट किया गया है, जहाँ उनकी इलाज और सेवा हो सकेगी। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।